हेलो दोस्तों, राज टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के बारे में। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि योजना क्या है और इसका लाभ किस तरह से मिल सकता है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं नोनी सशक्तिकरण योजना क्या है। तो दोस्तों, 73वें गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 20,000 रुपये की सहायता राशि श्रमिक महिला के बेटियों को दिया जाएगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई आपको 18 साल के उम्र में करना होगा। पहले इसका जो एज डिसाइड था वो 18 साल और 6 मंथ के बीच आपको करना होता था। मतलब जैसे ही आपको 18 साल पूरा होता है आपको अप्लाई करना होता है 6 महीने के अंदर। अगर आप बाद में अप्लाई करते हैं तो वो मान्य नहीं होता था, लेकिन अब इसका एज बढ़ा दिया गया है। आप 18 साल से 21 साल के बीच इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक योजना के बारे में। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या दस्तावेज है वो भी बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, ठीक है, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, अब इसके लिए पात्रता क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पात्रता इस प्रकार से है कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, जो आपका श्रमिक कार्ड है उसमें आपका पंजीयन होना चाहिए। और इसमें सिर्फ एक परिवार के दो ही बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है। दो से ज़्यादा बेटियां होती हैं तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। एक परिवार में 20,000 रुपये प्रत्येक बेटी को मिलेगा, दो बेटियों को, तो मतलब टोटल 40,000 हो जाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको योजना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ, हम आपको बताएंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है, प्रोसेस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये वेबसाइट पे जाना होगा, www.cglabor.nic.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे भवन एवं अन्य सनिर्माण लिखा हुआ है, इस मेनू पे जाना है, उसके बाद नीचे जाना है और आवेदन करें बटन पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिला का चयन करना होगा, जैसे मेरा रायपुर जिला है तो ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद हितग्राही का नाम देना है, पिता या पति का नाम देना है, पूर्व पंजीयन क्रमांक अगर आपके पास है तो, नहीं तो फिर यहाँ पे जो नया पंजीयन क्रमांक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको वो एंटर करना है और विवरण देखे बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये क्लिक कर देंगे आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपके जो कार्ड है, श्रम कार्ड है, उसमें किनका किनका नाम एड है। ठीक है, आपके फैमिली के कौन कौन मेंबर उसमें एडेड हैं उनका नाम वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपने जो भी योजनाओं के लिए आवेदन किए हैं और उसका उसका स्थिति क्या है, जैसे कि लंबित यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें योजना चुने जो लिखा हुआ यहाँ पे देख रहे हैं उसमें हमें ड्रॉपडाउन में से सेलेक्ट करना है, जो भी योजना के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के लिए कर रहा हूँ, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और लाभ देवे बटन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे हमें और कुछ करना नहीं है, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो हमने श्रम कार्ड बनाते वक्त दिया था वो आ जाता है, आधार कार्ड आ जाता है। ठीक है, बैंक का नाम देना है, यहाँ पे आपको बिटिया का जो बैंक का नाम है जहाँ भी उनका अकाउंट है वो देना है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नाम देना है जैसे कि मेन ब्रांच रायपुर, अकाउंट नंबर देना है आपको बिटिया का ही देना है ना, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद आईएफएससी कोड हमें यहाँ पे डालना है, उसके बाद जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई ये भी हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है,
जैसे कि मुझे समाचार पत्र द्वारा प्राप्त हुए तो ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पुत्री का नाम सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब हमने श्रम कार्ड बनाया था तो नाम दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमें जो है उनका नाम भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि डालना है, एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि एग्जाम्पल मैं 2011 डाल देता हूँ, ठीक है, कोई भी मैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा, जो पुत्री का जो आयु है वो 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उससे पहले आप आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ 11 साल की हो रही है, इसलिए ये आवेदन का लिए अप्लाई, इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देना है, फिर यहाँ पे हमें जो है आवेदन का प्रकार का चयन करना होगा, जैसे कि शिक्षा के लिए कर रहे हैं, कि रोजगार के लिए कर रहे हैं, कि विवाह के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये दस्तावेज है जो जरूरी है हमें अपलोड करने होंगे, जैसे कि पंजीयन परिचय पत्र होगा, ये हमें अपलोड करना है, पुत्री का आधार कार्ड की कॉपी हमें अपलोड करना है, पुत्री का जो बैंक पासबुक है वो डालना होगा, जन्म प्रमाण पत्र डालना होगा, ठीक है। 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तो उसका भी हमें यहाँ पे जो है मार्कशीट की जो अंक सूची है उसकी फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड करना है, नियोजन प्रमाण पत्र, ठीक है, नियोजन प्रमाण पत्र मतलब हमारा जो श्रम कार्ड है वो डालना है, और यहाँ पे स्व घोषणा प्रमाण पत्र। अभी इसका फॉर्मेट मेरे पास नहीं है, लेकिन आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर मेरे पास ये घोषणा प्रमाण पत्र आता है तो मैं उसको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे एक बार जरूर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं योजना की राशि 20,000 जो मिलना है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है 951924, इसको एंटर करना है, और श्रम मित्र क्रमांक यहाँ पे डालना है, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सुरक्षित करे बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ, आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किए हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और यहाँ पे आपके लिए दो वीडियो और लेके आया हूँ, इसको भी आप जरूर देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ही कमाल के बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।